हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब साइली चैनल पे। फ्रेंड्स, अक्सर आप मेरी वीडियोस में सुनते होंगे, सलाहों में सुनते होंगे कि मैं बताती हूँ कि ओवुलेशन के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो ये एक सीक्रेट हेयर वॉश की ट्रिक है, लेकिन लॉजिकल माइंड ये सोचता है हमेशा कि इसका मतलब क्या है, इसको किया क्यों जाता है, इसका लॉजिक क्या है, हम इतने दिन हेयर वॉश नहीं करेंगे तो कितनी समस्या हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये ट्रिक बेहद काम की है और आप चैनल पे बहुत सारी बहनें, बहुत सारी सहेलियां कंसीव कर रही हैं छोटी सी ट्रिक को फॉलो करके। तो इसके पीछे एक छोटी नहीं, एक बहुत बड़ी बात है जो कि साइंटिफिक है। हालांकि मेडिकल साइंस ने इस पे अभी तक कोई बात नहीं कही है कि ये हेयर वॉश का मतलब नहीं करने से क्या बेनिफिट होता है ऐसा कि कंसीव में जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाती है। तो आज मैं इसी बात को एक थ्योरी के साथ आपको समझाऊंगी और उसके साथ आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप इतने दिन हेयर वॉश नहीं कर रहे हैं तो आप अपने हेयर्स की केयर कैसे करेंगे, इस समय पे किस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ऑफिस जाना रहेगा। अगर गर्मी का मौसम है तो फिर आप अपने बालों की कैसे केयर करेंगे, ये भी आपको आज मैं बताने वाली हूँ। तो फिर वीडियो को पूरा देखिएगा और यूट्यूब साइली को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी टच कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे रोज एक रोचक और बहुत ही अनुभव से आई हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसका बहुत बेनिफिट होगा अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेयर वॉश ट्रिक के बारे में आप सभी को बता चुकी हूँ कि हेयर वॉश ट्रिक क्या है। हेयर वॉश ट्रिक वो है जिसमें कि ओवुलेशन के बाद से लेकर पीरियड की डेट क्रॉस हो जाने के बाद जब तक टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता तब तक हमको वेट करना चाहिए, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, ताकि इम्प्लांटेशन बहुत अच्छे से हो जाए। अब बात यह है कि इसका इम्प्लांटेशन से क्या रिलेशन है, ओके, इम्प्लांटेशन से इसका रिलेशन क्या है, तो इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ एक अलग दुनिया में। फ्रेंड्स, ये जो हेयर वॉश की ट्रिक है इसका राज हमारे शरीर की नाड़ियों से जुड़ा हुआ है और इन नाड़ियों की व्याख्या आज मैं आपको सहज योग के माध्यम से कराने वाली हूँ। अब आप जानना चाहेंगे सहज योग क्या है, तो सहज योग पूरे विश्व भर के कई देशों में, 150 से अधिक देशों में प्रैक्टिस किया जाने वाला एक मेडिटेशन का टेक्निक है जिसको शिमला जी निर्मला देवी ने इन्वेंट किया था। इसके बारे में डिटेल जानकारी आप चाहते हैं तो मैंने इसका टोल फ्री नंबर भी दिया है, इसके साथ इस वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाएं एक्सप्लोर करें। और स्ट्रेस के लिए सहज योग बहुत ही कारगर है, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में तो बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा, सहज योग मेडिटेशन करें। आइए अपने टॉपिक पे हम आते हैं, हम हेयर वॉश के महत्व को समझेंगे सहज योग के माध्यम से, क्योंकि सहज योग में ही इसकी व्याख्या की गई है। अब सहज योग हमको क्या बताता है, सहज योग हमको शरीर के इन सात चक्र और तीन नाड़ियों जो कि येलो, ब्लू और व्हाइट आप देख रहे हैं इनके बारे में बताता है। ये हमारा शरीर का सूक्ष्म तंत्र है जिसको कि कुंडलिनी के जागरण के बाद में हम अपने हाथों पे, हम अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। अब एक चीज, अगर आप अपने बॉडी को, स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं तो आपको कितना खिंचाव महसूस होता है, स्किन फटने से लगती है। एक दो दिन नहीं करें तो कोई बात नहीं, बहुत लंबे समय तक नहीं करें तो कितना खिंचाव महसूस होगा आपको, ओके? तो ये चीज आप सभी को समझ आ गई होगी कि अगर स्किन ड्राई रहती है, हमारी लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो फटने लगते हैं, खिंचाव एक महसूस करते हैं, ड्राइनेस और खिंचाव, ये चीज आपको उम्मीद क्लियर हो गई होगी। तो अब हम समझते हैं कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत सारी पेटल्स बनी हुई हैं, ये लिम्बिक एरिया होता है, ये हमारा लिम्बिक एरिया होता है। ये जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो तालू का भाग होता है, ये भाग जो आप ये देख रहे हैं बहुत नरम होता है, यहाँ की हड्डी बहुत नरम होती है, ये लिम्बिक एरिया होता है। तो ये जो लिम्बिक एरिया है यहाँ पे हमारे शरीर की सारी नाड़ियां एक साथ आके मिलती हैं और 1000 पेटल, अगर एक सहस्त्र दल वाले कमल के फूल को इस सेक्शन में काटा जाए तो कैसे दिखेगा, इस तरीके से डॉक्टर्स ने रिसर्च में ऐसा पाया है इस चीज को। तो अब क्या इसको हम अपने हेयर वॉश ट्रिक से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, बात यह है कि जब शरीर की सारी नाड़ियां यहाँ पे आके जुड़ती हैं, यहाँ पे आके मिलती हैं, तो यहाँ से ऑपरेट भी किया जा सकता है हमारे शरीर को, हमारे नाड़ियों को, हमारे बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को ऑपरेट किया जा सकता है। जब आप हेयर वॉश कर लेते हैं तब क्या होता है, सारा हेयर्स में से, स्कैल्प में से ऑयल निकल जाता है, ओके? जब ऑयल निकल जाता है तो जो लिम्बिक एरिया है यहाँ पे, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होती है उनके भी हम तालू का हल्का ऑयल लगाते हैं, बड़े बूढ़े यही सिखाते हैं कि थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए उनके तालू पे ताकि वहां पे नरिशमेंट मिले, इसीलिए ताकि वो कच्चा स्थान होता है वहां से उसकी पूरी बॉडी को, नाड़ियों को नरिशमेंट मिले, ओके? तो इसी तरह हेयर वॉश नहीं करने से हमारे बॉडी में जो ऑयल होता है हमारे शरीर में वो रिटेन रहता है, मेंटेन रहता है,
तो हमारा सिर ड्राई नहीं होता, और अगर ड्राइनेस हो जाए यहाँ पे तो इसका प्रभाव हमारे यूट्रस पे पड़ेगा और ड्राइनेस से यूट्रस में खिंचाव होगा, और अगर इस तरह से कॉन्ट्रेक्शन होंगे तो इम्प्लांटेशन हो भी क्या होगा, गर्भावस्था अपने शुरुआती दिनों में होगी, 2-4-5 दिन की होगी, तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वो रिमूव हो जाएगा, आपको पीरियड आ जाएगा। ओके, तो ये एक लॉजिक है जो कि श्री माता जी के द्वारा बताया गया है। हेयर वॉश के लिए नहीं, सहज योगा के माध्यम से इस चीज को मैं आपको कोरिलेट करके बता रही हूँ, क्योंकि ये नॉलेज नाड़ियों का नॉलेज और सहस्त्रार चक्र का नॉलेज श्री माता जी ने दिया है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि हेयर वॉश कर लेने से हमारे बच्चेदानी पे, सिर को और बालों को धो लेने से हमारे बच्चेदानी पे, यूट्रस पे क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर हम हेयर वॉश नहीं करते हैं, तालू को नरिश करके रखते हैं, तो हमारे बच्चेदानी को नरिशमेंट मिलता है, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है और वो अच्छे से गर्भ को धारण कर पाती है। अब हम जानेंगे कि इन दिनों हमको अपने हेयर्स की केयर कैसे करनी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दो खास बात बताऊंगी कि इन दिनों अगर आपको ऑफिस जाना है, आपके बाल में ऑयल है और आप वॉश नहीं कर पा रहे हैं, आप केयर कर रहे हैं ओवुलेशन के बाद की, इम्प्लांटेशन की, तो फिर आपको अपने बालों को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि सर्दियों में तो कोई बात नहीं चल सकता है, आप सारे बालों को बांध सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको गर्मी होगी, पसीना होगा, इचिंग होगी, फुंसियां भी उठ जाती हैं कभी कभार, तो फिर अगर बाल बहुत लंबे हैं तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप एक कॉटन का कपड़ा ले लें, चंदले दुपट्टे या कोई कॉटन का रुमाल ले लें, अच्छा उसको गुनगुने पानी में डिप कर लें, उसके बाद अपने बालों के सेक्शंस कर लें अलग अलग, 3-4 पतले पतले सेक्शंस कर लें थोड़े थोड़े, और उस कॉटन के कपड़े से बिल्कुल इस तरीके से अपने बालों का पोंछ सकते हैं, लेंथ में अपने बालों का कॉटन के कपड़े से पोंछ सकते हैं, कम से कम 7-8 सेक्शन कर लें बालों के, उससे आप पोंछ लें तो आपके लेंथ वाले बाल काफी साफ लगेंगे, उनमें डर्ट आ रही है या डस्ट वगैरह आ रही है वो सब चीज निकल जाएगी। ओके, दूसरी चीज ये है कि अब अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपको स्कैल्प में से के अंदर बहुत खुजली हो रही है, आपको रैशेज हो रहे हैं, इचिंग हो रहा है, बर्निंग जैसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, ऑल टाइम आपके हाथ बाल में ही है और आप बहुत परेशान हो रही हैं, तो शंख जीरा पाउडर आता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जो पाउडर होता है उसको आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, और उससे आपको ये जो इचिंग है, ये बर्निंग सेंसेशन है, रैशेज जो है उसमें आपको बहुत ही आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये लॉजिक बहुत अच्छा लगा होगा,